हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। क्राइम ब्रांच की NR2 की टीम ने रोहिणी से दो ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, 3 दुपहिया और 3 फोर व्हीलर बरामद किए। क्राइम ब्रांच के स्पेशल CP रविंदर सिंह यादव ने शनिवार की सुबह 10:25 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि क्राइम ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल कपिल यादव को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकेश उर्फ बिक्की और लक्ष्मी नारायण नाम के दो ऑटो लिफ्टर जो कि चोरी की ब्रेजा कार देने के लिए द्वारकाधीश अपार्टमेंट सेक्टर 26 रोहिणी के पास आएंगे। इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच की NR2 की एक टीम बनी थी जो कि क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट CP HD मिश्रा और DCP विचित्र वीर के निर्देश पर ACP नरेंद्र सिंह के देखरेख में इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में ये टीम बनी थी। इस टीम के अंदर SI प्रदीप धैया, SI सुखविंदर सिंह, ASI सुनील, ASI अशोक, ASI अनिल, हेड कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल नीरज मान और कांस्टेबल सुमित इस टीम में शामिल थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पहुंची द्वारकाधीश अपार्टमेंट सेक्टर 26 रोहिणी, जहां पर जाल बिछाया, कुछ देर तक इंतजार किया, उसके बाद दो व्यक्तियों को पकड़ा जिनकी पहचान मुकेश उर्फ बिक्की निवासी बाबा कॉलोनी सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई और दूसरा आरोपी लक्ष्मी नारायण निवासी बजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र अशोक विहार के रूप में हुई। इन दोनों आरोपियों पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 3 दुपहिया वाहन और 3 फोर व्हीलर बरामद हुए हैं, जिसमें एक ब्रेजा कार, एक महिंद्रा स्कूटर, एक टाटा S, एक बजाज पल्सर, एक होंडा एक्टिवा स्कूटी, एक मारुति इको इनसे बरामद हुई है। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया। आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना खुलासा किया है कि वह 2016 में जेल में बंद थे, जहां वे अच्छे दोस्त बन गए। जेल से छूटने के बाद वह वाहन चोरी व अन्य अपराधी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। आरोपी मुकेश वाहन चोरी करने में माहिर था और आरोपी लक्ष्मी नारायण उसकी सहायता करता था। वह चोरी के इन वाहनों को मोनू जो कि निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का और मंजीत निवासी नरेला का है, इनको पहुंचाते थे और ये लोग 30,000 रुपए प्रति वाहन जो कि दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। बहरहाल इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी दो आरोपियों को पकड़ने का प्रयास अभी इसमें जारी है। आरोपियों पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें आरोपी मुकेश उर्फ बिक्की जिसकी उम्र 39 साल है, इस पर भी 50 से अधिक मामले दर्ज हैं और दूसरा आरोपी लक्ष्मी नारायण जिसकी उम्र 49 साल है, इस पर भी 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।